بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن لا يسد احترام قابل يسد إكرام अली वक़ार मुशाहन और मुशाहिद सामयीन और सामियात असलकुम वकदा दवा सेंटर ममलकत सऊदी अरब के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबका हसीन इस्तबाल है आज हम फिर सही बखारी की किताबलफन से कल जिन अहदिस की शरा की थी उसका बाकी हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अल्लाह ताला में हक बात कहने उस हक़ को खूब ग़ौर से सुनने और सुनकर उसे कबूल करने उस पर उस हक पर अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए हमारी निक तमन्नाएँ पर खुलस दुआएँ हैं कि रबुल्ज़त आप सब सामीन और नागरन को सच्चाईमान नसीब फरमाए खालिद दिन नसीब फ़रमाए सहीक़ीदा नसीब फरमाए सही सेहत व आफत के साथ रखते हुए इस दिन के जुमला अहकाम पर अमल की तोफीक हम सबको बख्शे और अल्लाह रबालत जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे हर कस्म के ज़ाहिरी बातिनी शुरूर आफतों बलाओं फ़ितनों आजमाइशों से महफूज व मामून रखे मोहतरम नागरीन आज हमारा मौदो सुखन है इल्म उठा लिया जा रहा है या यूं कहिए कहिएम को कैसे उठा लिया जाएगा इस सिलसिले में इमाम बुखारी ने किताबुल फितन में गुजत दरस में हमने आपको बताया था कि इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है बाब व फितन फितनों के जुहूर का बयान फ़ितनों के गलबे का बयान इस बाब की वजाहत हमने कर दी थी और इमाम बुखारी ने हदीस नंबर सात हज़ार में आए हुए अल्फाज व चहरलफ़ितन उसी से इमाम बखारी ने इन्हीं अल्फाज को लेकर बाप कायम किया है तो हदीस में हदीस नंबर सात हज़ार से हदीस नंबर सात हज़ार सतसठ तक सात अहादि इस बाब में इमाम बुखारी ने लाए हैं और उसमें आज जिन अल्फ़ाज की हम शराह करेंगे वो है जहालत का दौर दौरा और इल्म का उठा लिया जाना तो हदीस नंबर सात हज़ार बासठ और तिरसठ के अल्फाज हैं इन नबैन इदाहया मनज रफ़ी जहलू वफ़ी वक्सर जो वल हर जो अलक्ल ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ल इब्ने मसूद और अबू अबुबसा अशर रदी दो दोबी जरील दोनों साहबी इसे मरवी है उन उन्होंने कहा कि नबी अक्रम सल वसम ने फरमाया बेशक त्यामत से कुछ वक्त पहले सारी दुनिया में जहालत आम हो जाएगी और इल्म को उठा लिया जाएगा यौरफ़ा उम्म युफ़ी जहल व यौरफ़ा उफ़ी रफ़ इल्म यानी इल्म का उठा लिया जाना या इल्म उठा लिया जाएगा तो कैसे उठा लिया जाएगा उससे मुराद कौन सा इल्म है और कैसे उठा लिया जाएगा आज के दर्श में हम इस पर गुफ्तू करेंगे इल्म के उठा लिए जाने से मुराद कौन सा इल्म है क्या वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म है या और या का इल्म है या वो फिज़िक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का इल्म है या वो तिब नबवी या तिब हदीस का इल्म है, या वो कुरान करीम और हदीस पाक का इम है अज़ीज़ तो साथियों दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों इसमें कोई शक व को शुबा नहीं है कि इससे मुराद इल्म दीन है शर इ है कुरान करीम और हदीस रसूल सल्ला वम काम है इल्म जो अम्बिया कराम की मीरास है नबी अक्रम सल्हसम का फरमान मुबारक है इनतलम्बिया अम्बिया कराम के वारसन हैं अहले इल्म ने इल्म की कई तरह की तकसीम की हैं लेकिन एक मरूफ़ तकसीम यह है कि इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया है ईमानियत और अकायद का इम शरीत का इल उसको कई कई तरह की तकसीम की गई हैं तो मरूफ़ और मशहूर तकसीम है कि शर इम की दो दोस्में बताई जाती हैं ईमानियात और अकायद काम फिर अल्लाह ताली के अवामिर नवाही हलाल हराम जवाजर का इलम अब चलिए इल को उठा लिए जाने का क्या मतलब है जहालत के फैलने का क्या मतलब है यनजिलु हल जहल व योरफ़ाफी हलम जहालत उतर पड़ेगी वक्त रुफ़ी हल जहल जहालत के जहालत आम हो जाएगी क्राम ने इल को उठा ले जाने के कई एक मतालबई एक मतलब और मफहम बयान किए हैं इस सिलसिले में बहुत सेम इन हादिस को शरा करते हुए बहुत सी बड़ी प्यारी प्यारी उमदा बातें कही हैं मुझे यूट्यूब पर फ़दीलत शेख मकसूद हसन फ़ैद रहा की एक वीडियो बहुत पसंद आई और उसमें उन्होंने बड़े उम्दा तरीक़े से इस इन यफ़ीआल इन नबैन यमन यनजिलुफ़ी जहल इल्म की तशरी बड़ी उमदा तरीक़े से की है और यूट्यूब पर वह वीडियो मौजूद है इल्म उठ रहा है इस वान से आप उसको बार बार सुनने के काबिल है ज़रूर सुनिए मैंने भी फजील शेख के इल्म से इस्तेफादा किया है मैं एक अदनासा तालब इल्म हूँ बड़े बड़े के नाम को सुनता हूँ उनकी किताबों को पढ़ता हूँ जो कुछ मुझे अल्लाह ने समझ दिए उस समझ को आपके सामने पेश करता हूँ इलम से उठा ले जाने का मतलब एक मतलब ये बयान किया गया है कि किम रब्बानी के लिखे हुए मसादिर मराजे किताबें क्या वो मदूम हो जाएंगी मफकूद हो जाएंगी बिल्कुल नहीं ने किराम की लिखी हुई हदीस की किताबें उसूल हदीस की बुनियादी किताबें क्या वो ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल नहीं वफ़सरी निज़ाम की लिखी हुई तफसर की किताबें उसूल तफसीर की असासी किताबें नहीं रहेंगी दुनिया की लाइब्रेरियों में बिल्कुल रहेंगी अकायद और ओसूल दिन से मुतल लिखी हुई इस किताबें वो मफकूद हो जाएंगी जैसे गुज्त दौर में बहुत सारी लाइब्रेरिया इस्लाम दुश्मन ला, अनासर ने उनको दरिया बुर किया था जैसे ततारियों ने बगदाद पर जब हमला किया था तो बगदाद की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को दरिया दजला में वो जाहिल थे और जहालत की वजह से मुसलमानों के इल्मी सरमाए को दरिया के हवाले किया था क्या इस तरह किताबें ख़त्म हो जाएंगी? सब नापैद और मदूम हो जाएंगी बिल्कुल नहीं दुनिया में किताबें मौजूद रहेंगी इल्म दिन की खिदमत के लिए मतलब तमाम क़सम के असासी किताबें मौजूद रहेंगे इल्मी सरमा भी सरमाया भी मौजूद रहेगा लाइब्रेरियों के रफूफ किसी और ज़माने से कहीं आज लदे हुए भरे हुए मौजूद हैं हर मुल्क में आप देखें बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ कायम हैं मौजूद हैं उन लाइब्रेरियों पर जाके देखें तो वहाँ किताबें मरसिया पढ़ रही हैं तलब इलमों को दावत मा दे रही हैं लेकिन वहाँ कोई तलब इल्म कोई बास कोई दिन उन लाइब्रेरी में नज़र नहीं आता खिदमत करने के लिए खसूस सऊदी अरब की लाइब्रेरियों में भी बहुत सी लाइब्रेरियों में आ, बहुत से मददफिन मौजूद हैं बहुत कम तलब इल उन लाइब्रेरी में पहुँचते हैं तो बर कैफ किताब जिनके के हसूल के लिए कदीम ज़माने में अहल इम महीनों हफ्तों का सफ़र किया करते थे और उस जमाने में ये सफ़र पुरामन भी नहीं हुआ करता था बड़े सफ़र खतर हुआ करता था आज तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का ज़माना इस क़दर तरक्की ज़माने ने कर ली है नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि हर कस नाकस के मोबाइल में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ इस वक्त मौजूद हैं ये सब जब किताबें मौजूद हैं लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं बल्कि कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइलों में भी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं तो फिर इल्म के उठ जाने का क्या सवाल पैदा होता है या इल्म के उठ जाने का क्या मतलब है तो रब्बानी इल्म को उठा लिए जाने के कई मफहूम और कई माने और मतलब बयान किए हैं उसमें से एक मतलब यह है किताबें भी मौजूद रहेंगी अहले इल्म भी मौजूद रहेंगे लेकिन इन किताबों को पढ़ने पढ़ाने वाले उन्हें पढ़कर सही तरीक़े से सलफ़ के फ़हम के मुताबिक समझने और समझाने वाले कम होते चले जाएंगे हर आदमी अपनी मनमानी तफसीर करेगा अपने मसलक अपने मजहब अपने अपनी तंजीम अपने जमात के एजेंडे के मुताबिक लोग अपने अपने नज़रियात और तस्वुरा को सामने रख कर उन किताबों को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और लोगों को समझाएंगे। सही समझ वही है जो सालिहीन की थी साहब कराम ने प्यार नबी सल्ला व्म से कुरान हदीस को जिस अंदाज में समझा जैसे समझा फिर अपनी समझ को क़ुरान और हदीस की अपनी समझ को अपने बाद वालों को मुंतकिल कियातिल हुआ है हलाल और हराम के बारे में सही और ठोस दलाल के साथ बयान करने वाले खाल खाल ही होंगे दीन की गहरी समझ बूझ और हकीकी फ़िता हकीक फिका तक पहुँचने वाले लोग कम से कम तर होंगे ख़ास तौर से तनों के दौर में बहुत ही कम अहले इल्म मिलेंगे जिनकी तरफ रुजू किया जा सकेगा तो मेरे भाइयों एक मतलब तो ये हुआ कि किताबें भी मौजूद रहेंगी लेकिन फ़हम सलफ़ के मुताबिक मनहज सलफ़ के मुताबिक उन किताबों को पढ़कर लोगों को लोगों तक अपना मुंतकिल करने वाले फकहा मुहद्दिसीन मुफसरीन खाल खाल होंगे कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे दूसरा एक मफहम रब्बानी ने इसका ये बयान किया है वह वफ़ा उफ़ीम का किताबें भी मौजूद रहेंगी अहल इल भी मौजूद रहेंगे लेकिन इन किताबों को पढ़ने पढ़ने वाले उन्हें पढ़कर सही तरीक़े से समझने और समझाने वाले कम होते जाएँगे हलाल तरीक़े से हलाल और हराम के बारे में सही ठोस दलाइल के साथ बयान करने वाले इनमें उलमा कम से कम तर होंगे तो रहेंगे लेकिन उनकी जिंदगियों से अमल दूर होता जाएगा अमल से उनका रिश्ता कटा हुआ होगा बहुत कम आ, लोग होंगे जिनकी जिंदगियों में जिनकी जिंदगियां दूसरों के लिए उसवा और बेहतरीन नमूना होंगी ऐसे अहले इल्म ऐसे तकवाशार परहेजगार हलाल हराम की तमीज़ करने वाले की कमी रहेगी इल्म तो रहेगा अहले इल्म भी रहेंगे लेकिन अहले इल्म के साथ साथ उस इल्म पर अमल करने वाले बहुत कम रहेंगे इसकी सबसे बड़ी दलील सुन सुनंदार्मी और तिरमिजी की वो रिवायत है जिसमें हजरत अबूदरदा से मरवी है أنا بالدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه لنقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فلقيت عباده بن الصامت قلت الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء قال صدق ابو الدرداء ان شئت ان شئت لاحدثنك باول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيها رجلا خاشعا محترم ناظرين يجو حديث بها ابن سنن ابن ماجا میں حديث نمبر चार हज़ार अड़तालीस तो इस हदीस का मफहम यह है कि एक मरतबा हज़रत अबरदा कहते हैं कि हम के साथ थे। उस वक्त आपने अपनी निगाह आसमान की तरफ़ बुलंद की अपनी निगाह आसमान की तरफ बुलंद करते आपने फरमाया ये वही वक्त है जिसमें इल्म ख़त्म हो जाएगा छीन लिया जाएगा लोगों से उस उसको हासिल करने पे उन्हें कुदरत हासिल नहीं रहेगी तो उस मजलिस में हजरत زیاد बिन लबीद अंसारी भी थे उन्होंने कहा अल्लाह के नबी इल्म हमसे कैसे छीन लिया जाएगा हम तो कुरान खुद पढ़ेंगे वक्त क़रना कुरान हमने कुरान को पढ़ लिया है अल्लाह की कसम हम नन्नाकुरसा आना हम इस कुरान को पढ़ते रहेंगे और अपनी औरतों और बच्चों को भी पढ़ाते रहेंगे जब हम पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे और दूसरों तक इस इम को अपने घर वालों तक अपने बीवी बच्चों तक अपने घर के ख़ुती तक अपने ख़ानदान के लोगों तक पहुंचाते रहेंगे तो फिर इल के मिटने का या इल के छीनने छीने जाने का क्या सवाल पैदा होता है प्रहरे नबी सल्ला वसम ने फ़रमाया शीलत खम खया जियात जियात तुम्हें तुम्हारी माँ गुम पाए ये अरबी जुबान का एक उसलोब है इन फ़क़ा मदीना मैं तो तुम्हें मदीने के बड़े बड़े में शुमार कर रहा था तुम तो दीन की कम समझ रखने वाले निकले जियात क्या तुम्हें जानते नहीं हाजिर तवरा तो वंजील होदी व नसारा ये तवरा और इंजील यहूदियों और नसारा के पास मौजूद है फमादा तगुनी हम ये किताब मौजूद रहने के बावजूद क्या उन्हें फ़ायदा देगी जब उस पर अमल वो नहीं करेंगे तो इल्म का असल फ़ायदा यही होगा कि उस पर अमल किया जाए और इल्म अगर मौजूद है उस पर अमल ना किया जाए तो उसकी मिसाल ऐसे है इल्म बिलाल का शजर इन बिला समर मौजूद है लेकिन उस इलम का समरा उसका फ़ायदा आदमी को अमल की शक्ल में नहीं मिल रहा है तो यूँ समझिए दरख्त तो मौजूद है लेकिन बग़ैर फल के बांझ दरख्त है फल नहीं दे रहा है इम का वजूद अमल पर उभारता है अमल का तकाजा करता है, इल्म अमल का तकाजा करता है और अगर उस पर अमल न किया जाए तो इल्मा से रुखसत हो जाता है मेरे खेफ इस हदीस से एक अहम हकीकत ये मालूम हुई कि कुरान का सिर्फ़ अल्फाज पढ़ने पढ़ लेने का नाम नहीं बल्कि उस पर अमल करने उसके तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने का नाम हमने कुरान की अगर तिलावत कर ली तफसीर पढ़ ली हदीसों का मुताला हमने कर लिया लेकिन पुरानी आयात के तकाज़ों के मुताबिक पैर नबी सल्ला वसम के अदिश के आ, तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदियों को अगर हमने ढाला तो इस इसल का हमें सही फ़ायदा हासिल होगा और इस हदीस से एक दूसरी अहम बात ये मालूम हुई कि सब करम का लफ़ सिर्फ़ कुरान और हदीस पर बोलते थे बाकी की हैसियत तो उनके पास फ़नून की होती थी जिनका मकसद मादी ज़रूरियात को पूरा करना या मदी आसाइशें हासिल करना होता है बहर हाला तो मौजूद रहेंगे लेकिन वो रब्बानी जिनका अमल दूसरे के लिए नमूना होगा उसवा होगा जो उस अमल उस इल्म पर अमल करते होंगे ऐसे नादिर होंगे कम खाल खाली होंगे इल्म के उठा लिए जाने का एक तीसरा मफहम और माना और मतलब ये बयान किया है रब्बानी ने कि किमाए रब्बानी एक एक करके वफात पा जाएंगी ऐसे यामा जिनके अंदर रब्बानियत है अखलासियत है अपने कौम के लोगों से बेपना मोहब्बत और उल्फत है हमदर्दी और शफकत पाई जाती है जो हमेशा अपने दीन की नशर वशात और, और उसकी खिदमत के लिए जीते थे आज कल आपने देखा होगा हर दीनी दर्जगा से हर जामिया इस्लामिया से फार तहसिल इंसान को लोग समझने लगे हैं और जिसको भी चंद तकरीरें रट्टा लगा कर किसी मजमे में धुआंधार तकरीर करना आ गया तो समझ लीजिए कि वो आलमी नहीं बल्कि ज़मान बन जाता है और ख़ास तौर से जिसके सोशल मीडिया पर जिसके चाहने वाले अगर हजारों में चाहने वाले मिल गए जिसको जो चीख चीख कर अपने गला फाड़ फाड़ कर बोलना जिसको आ गया तो एक दुनिया उसके पीछे अंधाधुंध भागने लगती है तो मुखलिस अहल इल्म एक एक करके उठा लिए जाएंगे रब्बानी एक एक करके उठा लिए जाएंगे उनके इस तरह चले जाने से इल्म भी उड़ता चला जाएगा उनकी जगह खाना पूरी करने के लिए उनके जैसे काबिल काबिला कराम नहीं होंगे लोग ऐसे हालात में क्या करेंगे जाहिलों से मसाइल दरियाफ्त करेंगे वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे आज आप देख रहे होंगे कि ठोस दिन का सही इल्म रखने वाले काबिल बासलाहियत, फ़तवे की काबिलियत रखने वाले इल्म का कहतुर रिजाल। सही बुखारी में किताबुल में इमाम बुखारी अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस से एक रिवायत नकल फरमाई है أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا

नहीं खींच लेगा बल्कि इलम को उल्मा के वफात के ज़रिए से ख़त्म करेगा ताकि जब दुनिया में कोई हकीकी मानों में सच्चा आलिम दीन जिंदा नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बनवा लेंगे और उनसे जब दीनी मसाइल पूछे जाएंगे, तो बग़ैर के फतवा देंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे और साथ साथ दूसरों को भी गुमराह करके छोड़ेंगे इस हदीस की शरा करते हुए फजीलतुलशेख अबू मोहम्मद अब्दुलस्तार अ हम्माद शार साब बुखारे जिसको दार ने दस जल्दों में शाये किया है इस हदीस पर लिखते हैं कि अल्लाह तैल फ़नून कोलमा के सीनों से माह करने और मटाने पर कादिर है लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करेगा इस हदीस से मालूम हुआ कि वह ऐसा नहीं करेगा कब्द यानी यानिम को उठा ले जाने सूरत यह की सूरत ये होगी खुद रासकिन फिल्म की जमात ख़त्म हो जाएगी रब्बानी फिल फिल्म की जमात ख़त्म हो जाएगी दूसरे जो उनके लेवल के होंगे उनके मैार के होंगे पैदा नहीं होंगे सदीस में म की हिफाजत पर ज़ोर दिया गया हर आलिम का फरीजा है कि अपने बाद कुछ छोड़े बसूद बसूरत दीगर जोहलामा कराम की जगह बैठेंगे और गुमराह फैलाएंगे। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि हदीस की बुनियाद पर फतवा देना ही हकीकी रियासत है इस हदीस से एक और अहम हकीकत भी मालूम हुई कि रब्बानी इल्म की हिफाजत उसकी बका का अहम जरिया और सबब हैं इसलिए जब तक वो हमारे दरमियान मौजूद हैं बायद हयात हैं उनका अहतराम किया जाए उनकी इज़्ज़त की जाए उनकी क़दर की जाए हतमकदूर हर मुमकिन तरीक़े से उनसे इस्तेफादे की कोशिश की जाए इल्म में नेम को उठा लिए जाने का एक और मतलब और मफहम ये बयान किया है कि अहिल के पास इलम तो मौजूद रहेगा मगर उस इम का जो असल मकसद है उस पर अमल करना वो छोड़ेंगे यानी बामल माए रब्बानी एक एक करके वफात पा जाएँगे बामल ओलाय रब्बानी एक एक करके देखते ही देखते एक एक बात इस दुनिया से रुख़त होते चले जाएँगे और की सही दीनी रहन करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे दुनिया में अहले इल्म तो रहेंगे उनके पास इलम भी होगा मगर उनके दिलों में उस इल पर अमल की अहमियत ख़त्म हो जाएगी वुमा अमल के मैदान में कोरे होंगे नमाज बाज़मात की अहमियत से खूब वाकिफ़ होंगे लेकिन वह नमाज बाजत में सुस्ती और कोताही करते रहेंगे उन्हें नफली रोज़ों की अहमियत का बूबी इल्म होगा महज सुस्ती और काहली की वजह से नफिल रोज़ा रखने में कोताही करेंगे उन्हें लैल और नमाज तहज्जुद के फ़जाइल का इलम तो बहुत होगा वो नमाज तहज्जुद और लैल पर घंटों लेक्चर भी देते होंगे लेकिन सुस्ती और कोताही करते रहेंगे और उसे अदा नहीं करेंगे अल्लाह का खौफ तो होगा मगर अल्लाह से वो डरते नहीं होंगे खौफ का ताल्लुक़ से उन्हें काफ़ी इल्म होगा अल्लाह से डरते नहीं होंगे हलाल हराम का हलाल हराम की तमीज़ उठ जाएगी वो हराम उमूर से इज्तनाम नहीं करेंगे एक पाँचवा मफहम ने इल्म को उठा ले जाने का ये बयान किया है बड़े बड़े इल्म के होते हुए भी लोग उनको नज़रअंदाज करके जज्बाती कस्म के नौजवानों और असागिर अर इल्म से फतवा तलब करेंगे उनसे इल्म हासिल करेंगे उनसे दीनी उमूर में रहनुमाई तलब करेंगे ये भी एक तरह से इल्म के उड़ जाने के उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं आज भी अल्लाह का करम है सऊदी अरब की सरजमीन में हैत किबारा में आज भी बड़े बड़े छोटी उलमा मौजूद हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान में हिंदुस्तान में उसके अलावा दुनिया के और मुल्कों में बड़े बड़े की कमी नहीं है लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में फ़ेसबुक यूट्यूब और दीगर जो नए नए प्रोग्राम कंप्यूटर पर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वजूद पजीर हो रहे हैं उसकी वजह से लोग आँख बंद करके अंधा धुंद नौजवानों के पीछे असागिर के पीछे लगे हुए जो अभी अभी चंद महीने और चंद दिन भी नहीं होते और वो वीडियो कैमरे बनाते हैं वीडियो कैमरों के जरिए से अपने वीडियो बनाते हैं और चंद जिनको चंद तकरीरें क्या याद कर लिए बड़े बड़े टॉपिक पर जिस परमायर रासखीन रब्बानी ज़ुबान खोलते हुए एहतियात करते हैं ऐसे टॉपिक पर भी गुफ्तु करते हुए पीछे नहीं हटते आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में आई हुई हैं उनमें से एक अहम यह भी है कि हमारी ज़िंदगी में नफा बख्श इलमी किताबों से दूरी और बेनियाजी का एक मिजाज आम हो चुका है कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने देखा है और दीनी मदरसों से पढ़ के निकले हैं जब वो निक, निकलते हैं तो उनके हाथों में किताब है उनके घरों में लाइब्रेरियाँ हैं मुझे तो ये कहने में भी कोई दरे और अफ़सोस नहीं है कि आजकल क्या नौजवान क्या बड़े सभी उम्र के लोगों में इलमी किताबों से दूरी और बेनियाजी का मिजाज खूब परवान चढ़ चुका है एक ख़तरनाक मरज और उमू में बलवा की ये शक्ल इख्तियार कर चुका है आज हमारे कितने और दुआत के घरों में उनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं हमारी कितनी मस्जिदों में लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं हमारे कितने शहरों में पब्लिक लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं आप घर घर तलाश कर तलाशी लेकर देखें सैकड़ों मदरसों से फ़ारि दुनिया में मौजूद हैं दिनी मदरसों से और हर साल उनकी एक खेप निकल रही है लेकिन किताबें किसी के पास नहीं है जब किताबें नहीं होंगे तो पढ़ेंगे क्या और इल्म हासिल कैसे करेंगे जो इस वक्त दुनिया से रुखत हो रहे हैं उनकी खानापुरी कौन करेगा नफ़ा बख्श इमी किताबों से दूरी और बेनियाजी इलम नफा से महरूमी का इल्म इलमनाफे से महरूमी का सबब बनता है इलम नाफे से महरूमी ईमानी कमज़ोरी का सबब बनती है इलमी महफिलों में इलम की दीनी मजलिसों से दूरी मेरे भाइयों और उन इल्मी मजलिसों से बेनियाजी हमारी ईमानी कमज़ोरी का एक अहम तरीन सबब है आज एक आलमी साजिश के तहत बाकायदा मनज़म और बमल मनसूबा बंदी के साथ उम्मत इस्लामिया को नफ़ा बख्श इलमी किताबों से दूर रखा जा रहा है और इलमी किताबों से बेनियाजी का मिजाज को परवान चढ़ाया जा रहा है से फरोक दिया जा रहा है किसी कौम के इल्म और अहल इल्म से दूरी का मतलब है कोई कौम से दूर हो रही है अहल इल्म से दूर हो रही है तो उसका मतलब है कि उस कौम का और अखलाकी जवाब शुरू हो चुका है तो मेरे भाइयों आज कल नबी अक्रम सम की एक पेशन गोई के मुताबिक आपने फरमाया था कि आने वाले दौर में कुर्रा की तदाद ज्यादा हो जाएगी शरीयत कम हो जाएंगे हजरत बयान करते हैं कि पहले नबी वसल्लम ने العلم ويكثر الهرج قالوا ما الهرج قال القتل قال القتل بينكم ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول زمان जिसमें क़ुर्रा की कसरत होगी फुका की किल्लत होगी एल्म उठा लिया जाएगा और हरज ज़्यादा हो जाएगा अर्ज किया गया या अल्लाह हरज क्या है आपने फरमाया तुम्हारी बाहमी खून रेजी तो गारत गरी फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आएगा जब लोग कुरान करीम की तिलावत तो करेंगे मगर कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा फिर एक ज़माना ऐसा आएगा जब एक मुनाफिक एक काफिर और मशरक मुसलमान से बहस जिदाल करेगा मोमिन से बहस व जिदाल करेगा मोमिन की बातों का तुर्की बतुर्की जवाब देगा आज मुख्तलिफ टी वी चैनलों पर काफिर मशरक मुनाफिक क्या आपने देखा नहीं किराम का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं और किस तरह से उनके उनके आ, उन, उनकी बेइज्जती की जाती है और किस तरह से उन्हें तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं मामला उस वक्त और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जब जबा के दुनिया से उठ जाने के बास म भी रख्सत हो जाएगा जब कोई रब्बानी आलिम न बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे उनसे जब दीनी मसाइल पूछे जाएंगे तो वह इल के बग़ैर ही फतवा दे दिया करेंगे इस तरह वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे तमाम अहदिस जो आपने सुनी इसका मतलब ये नहीं कि दफातन लोगों के सीनों से इल्म को मिठा मिटा दिया जाएगा इल्म दुनिया से ख़त्म हो जाएगा बल्कि उसके माने ये हैं कि हामिल शरीयत, शरीत रब्बानी बामल माए तकवाशार आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से चले जाएंगे, लोग उनकी जगह जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे जैसे आज बहुत सारे ब्रदर्स जो सवाल जवाब की मजलिसें कायम करते हैं और उनके तरफ आने वाले हर सवाल का जवाब देने ही की कोशिश करते हैं किसी सवाल के बारे में कभी किसी ब्रदर से ला अदरी हमें नहीं मालूम है कभी आपने सुना नहीं होगा पिछले चंद बरसों के अरसे में उम्मत इस्लामिया को मतद रासिक इल्म की वफात का सदमा सहना पड़ा है जिनका लोगों को दीन सिखाने में नुमाया किरदार था और कोई शख्स आज उम्मत इस्लामिया के अमाल पर गौर करता है तो वो बखूबी देख सकता है कि लोगों की एक बड़ी तदाद आज के ज़माने में कुरान मजीद की तिलावत तो खूबसूरत आवाज़ से करने आ, करती तरतील और से पढ़ते हैं दिलकश अंदाज़ में कुरान की करात में बहुत आगे निकले हुए सारी दुनिया में कुरान मजीद के हेफ और करात के कंपटीशन और मुसाबकत भी बहुत होते हैं अल्लाह का शुक्र है ये भी होना चाहिए लेकिन शर्म की तलब अहकाम दीन को सीखने में महारत हासिल करने का सिलसिला मौकूफ़ होते जा रहा है अगर आप उन में से किसी एक से भी तहारत या सजदे सहु के बारे में कोई मसला पूछें तो उन्हें उस इल्म से कोरा ही पाएंगे बिल्कुल नहीं आज के दौरे पुरफन में हर रोज़ हर हफ्ता हर महीना किसी न किसी आलिम दीन की मौत की खबर दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक अनदनाक खबर साबित हो रही है अगर मैं ये कहूँ कि चौदह सौ इकतालीस और बयालीस 2020 और 21 आमुलसन ही नहीं बल्कि आमुल अहजान बन चुका है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा क्योंकि तो किसी ने कहा है कि मौतलम मौतलम एक आलिम रब्बानी एक राशक आलिम की वफात एक दुनिया की वफात आपने महसूस किया होगा 1999 1420 में शेख अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बास जो सऊदी अरब के किबार उलमा काउंसिल के रईस थे और मुफ्ती आजम भी थे वात पा गए उसी साल मुहदस असर अलाम जमान महम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहामत अलैहि भी 1420 और 1999 को दुनिया से रहलत फरमा गए उसके एक साल बाद 1421 में 2000 को इस जहान फानी से शेख मोहम्मद बिन सालसमिन ये बड़े चोटी के इल्म रखने रह, इल्म वाले थे सिर्फ़ इल्मी ने आलिम मल थे और हर एक अपने अपने फ़ील्ड में अपने अपने मैदान का अज़ीम शान आलिम दीन था इसके अलावा बड़े बड़े हदीस के फन हदीस के माहिर मुफसर ने क़ुरान देखते देखते हम अभी यानी जब से मैं के तलब के लिए निकला हूँ उस वक्त से देख रहा हूँ कि बड़े बड़े अल्लाह को प्यारे हो गए महदसिन एक एक करके उठते गए शेख उब्ल रहमानी शेख वाजिद रहमानी शेख जहिर अलसरी शेख अब्दुलसुबहान अदमी शेख दाउदराज शेख अब्दुलरजा कफीफी शेख सालिम शेख हमद अंसारी शेख मोहम्मद आ... मकबिलवाद शेख जुबैर अली जई शेख एहसान अलाई जहीर शेख अबूल अशबाज सगैर अहमद मक् शेख हाफिज सलाहुलद्दीन यूसुफ अभी बारह जुलाई दो हज़ार बीस को जिनकी वफात हुई जिनके असनलबान मुख्तर तरीन और जाम तरीन तफसर इसी तरह से महािक व मुफ्ती जाम सलफिया शेख़ अली हुसैन सलफी तेईस जुलाई को दो हज़ार बीस को उनकी वफात हुई ये जामिया सलफिया बनारस के मुफ्ती भी थे महक्क़ भी थे कदीम तरीन मशाइ में शुमार होता था इल्म हदीस के इमाम शेख डॉक्टर ज़ियाम आज़मी उमरी मदनी तीस जुलाई को अरफात के दिन मदीना मनोवर में सऊदी अरब में वफात पा गए शेख मुक़ीम फजी नायब सदर जमात जमातिस मुंबई महाराष्ट्र दो अगस्त को 2020 को वफात पा गए इसी तरह शेख अब्दुल मन्नान बिन अब्दुल हन्नान सलफी झंडा नगरी वकील मदरसे सराजिलोलम नेपाल वो भी तेईस अगस्त को 2020 23 तेईस अगस्त को सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में वफात पा गए दाए इस्लाम रियाज मुसा मलबारी आठ जून 2020 को केरला से उनका ताल्लुक था वो भी वफात पा गए शखीसु जमील जाम रहमतल्लाजमाइन तीस अप्रैल 2020 को कन्नूल आंध्र प्रदेश में इनकी भी वफात हो गई मुफसर कुरान डॉक्टर मोहम्मद लुकमान शरीफ़ रहमत लाही पाँच मार्च को 2020 5 मार्च को सऊदी अरब में उनकी वफात हो गई शेख शेखफुलरमान मोहम्मदी रम्ह पच्चीस अप्रैल दो हज़ार बीस को मंसूरा मालेगांव मुंबई में इनकी वफात हो गई प्रोफेसर मौलाना नाल्ला खान रहमतल्ला 18 मई दो हज़ार बीस को उनकी वफात हो गई प्रोफेसर मौलाना आनबारी आल आलियावी पंद्रह मई दो हज़ार बीस को कलकत्ता मगरबी बंगाल में उनकी वफात हुई हदीस मौलाना अब्दालशीद हज़ारवी रमतल्लातीस मई दो हज़ार बीस को पाकिस्तान में उनकी वफात हो गई शेखुलकर्रा एह रसूल नगरी अलैह इक्कीस मई को इक्कीस मई को दो हज़ार बीस को पाकिस्तान में उनकी वफात हो गई प्रोफेसर मौलाना लुधियानवी लुधियावी रहमतल्ला तीन जून 2020 को पाकिस्तान में उनकी वफात हो गई शेख यूसुफ़ भट्ट रहमतल्ला पाँच जून 2020 को पाकिस्तान में वफात हो गई प्रोफेसर डॉक्टर वली अख्तर नदवी रहाम नौ जून 2020 को दिल्ली में उनकी वफात हो गई शेख अब्दुलबारी नदवी रहाम आल बाईस जून 2020 को उनके वफात हो गई डॉक्टर अब्दुलबारी रहामतल्ला दस जुलाई दो डुमरिया गंज यूपी हिंदुस्तान में उनकी वफात हो गई मौलाना मोहम्मद असलम जाम रहमत लाई बारह अगस्त दो हज़ार बीस मुंबई को हिंदुस्तान ये महाराष्ट्र के अमीर जमतीस थे इनकी भी वफात हो गई शेख हकीम अजमल खान रहा आलि सात सितंबर दो हज़ार बीस को हरियाणा पंजाब जमात अदीस हिंदुस्तान के बहुत सारे असरार अपने सीने में लेके जेर ज़मीन दफन हो गए सब पर रहमत अपनी रहमत फ़रमाए इसी तरह शेख मौलाना शाहिद कलीम मदनी रहमतुल्लाह अलैह मोनाद भंजन यूपी से आपका ताल्लुक था तेईस सितंबर 2020 को वफात पा गए जनाब शब अंसारी रमतल पच्चीस सप्टम्बर दो हज़ार को उड़ीसा में हिंदुस्तान में वफात पा गए रहमल् रहमत वस्या वम फ़सी हजन्नतेब रबलाल से मेरी दुआ है इन तमाम किराम और अजीम शख्सियात की बशरी ख़ताओं को माफ़ करके आला इलीन में जगे अता फ़रमाए उनके लवाकैन को सबर जमील की तौफ़ीक दे और उम्मत मुसलिम को उनका नैम बदल अता फ़रमाए महतरम नावरीन और काबिल अहतराम सामीन यहाँ एक कलीदी हकीकत जानना नहाय ज़रूरी है अक्सर वेशतर लोग हर दीनी दर्ज से हर जाम इस्लामिया से फारसील शख्स को हर धुआदार तकर्रर करने वाले हर शोला बयान खतीब को हर जादू बयान वाइज को हर शानदार और ख़ूबसूरत तहरीर के मालिक इंसान को आलम दीन समझने लगे हर ऐसा शख्स आलिम दीन नहीं हुआ करता हर लचेदार गुतगू करने वाला गूगल और इंटरनेट के ज़रिए से हर रत वो याबिस वेबसाइट करने वाला दिन नहीं हुआ करता तो फिर दिन कौन होता है किसे किसेम दिन कहते हैं आलम दिन तो बड़े बड़े दिन कदर मुफसरन महदसिन एज़ाम किबार नवीन शरफिन माहबा बलगा के बलगा वक्त के रूबरू बैठ कर उनसे दीन का इल्म पढ़ने सीखने के आ, सीख कर जो सनद हासिल करते हैं उनको दीन कहा जाता है आलिम दीन की अमली ज़िंदगी दूसरों के लिए बेहतरीन उसवा होती है उसको क़राम की एक बड़ी जमात अच्छी तरह जानती है यह इल्म इल क़राम से सीना बसीना उस तक मुंतकिल होता है और वह अपने इल्म पर हद तमकद खुद भी अमल करता है दूसरों को भी उस पर उसम दूसरों तक इलम पहुँचा कर अमल करने की तरगीब दिलाता रहता है इस मुक़दसल को दूसरों तक पहुंचाने के राह में जो सहबतें जो रुकावटें जो तकलीफ़ें आती हैं उस पर सबर भी करता है पेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानी में से एक निशानी ये भी बताई है कि लोग क़्यामत के करीब अपने अकाबिर के बजाय अशागिर से इल्म हासिल करेंगे आज बखूबी हम लोग इसका मुशाह कर सकते हैं आज कल लोगों की अक्सरियतए अकाबिर से सेल हासिल करना तो बहुत दूर की बात है अशागिर से भी इल्म हासिल नहीं करते बल्कि आज कल आवास की अक्सरियत धुआँदार तकरीर करने वाले शोला बयान खतीबों के पीछे भागती है लच्छेदार गुफगू करने वाले गूगल और इंटरनेट के हर रत व याबिस वेबसाइट इल्म हासिल करने वालों के पीछे भागते हैं उनसे फतवा तलब करते हैं हर छोटे बड़े दीनी मामले में उन्हीं की तरफ रजू करते हैं उनको इन दीनी भाइयों का पस पस का कोई पता अता पता तो नहीं होता उनके मशाइख के बारे में भी कोई इल्म नहीं रखते चूंकि वो नहायत चर ज़ुबान होते हैं लोगों का दिल मोह लेने का हुनर खूब जानते हैं सोशल मीडिया में उनकी ख़ूब रसाई और सस्ती शहरत उन्हें हासिल होती है किसी सियासी टॉपिक पर खूब जम के किसी सियासतदान को अगर कोई बुरा भला बोल दिया तो फिर तो उसको हज़ारों लोग उसके पीछे पड़ा हो जाते हैं जाहिल आवाम की भीड़ भाड़ पर उनके इल्म का जादू चल जाता है और वो आवाम की तरफ से किए गए हर सवाल का जवाब देना भी अपना अव्लिन फ़र्ज समझने लगते हैं बल्कि वो तो लादरी मुझे पता नहीं है कभी उनकी ज़ुबान से निकलता ही नहीं तो बहर कैफ नबी अकरम सल्लम के इन हादिस में जो बाबर अलम बाबर अलफन बाब धहरफन में एक जुमला पैर नबी सल्स वम के ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ यह है यन कुसुल वनकसलमल तो उठा लिया जाएगा लेकिन जब इल्म उठ जाएगा तो उसका तभी नतीजा क्या होगा अमल में कमी आएगी अमल में कमी क्यों आएगी दीन दिन ईमान की कमज़ोरी की वजह से दुनियावी उमूर में इनमाक वजह से मशगोलीत की वजह से दुनिया परस्ती की वजह से लोग अपनी आखिरत को संवारने लोगों को अपनी आखिरत को संवारने का ख्याल नहीं होगा अगर कुछ लोगों को इस बात का ख्याल होगा भी बहुत कम न होने के बराबर होगा नेक आमाल की कमी होगी ज़्यादातर लोग बुरे आमाल में दिलचस्पी लेंगे फिर नक्सम हिस्सी नक्सद दिन का बायस बनेगा फिर वो नक्स आमल मानवी का सबब बनेगा खाना पीना लोगों का अच्छा ना होगा अच्छे अमाल करने में उनके मुआफिक यानी उनको तोफ़ी ना होगी और जब माल और दौलत की रेल पेल होती है तो इंसानी नफोस राहत आराम की तरफ मायल हो जाते हैं लिखना पढ़ना भारी मालूम होने लगता है जब इल्म उठा लिया जाएगा जैसा कि प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج أولك رواية ما يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل تو آپ سبھی حضرات اس قلدی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے چھا جاتی ہے. इसी तरह जब सूरज तुलु होता है तो उसका तभी नतीजा क्या होता है हर तरफ उजाला हो जाता है अंधेरी रात में जब तिराग बुझा दिया जाए तो लाजिमन हुआ अंधेरा ही अंधेरा होगा जब इल्म उड़ जाता है तो उसके तभी नतीजे के तौर पर हर तरफ जहालत आम हो जाएगी हर सो नाखानदगी और जहालत का दौर दौरा हो जाएगा और हर तरफ उसके तबी नतीजे के तौर पर शरअंगेजी फितना फसाद बरपा हो जाएगा दुनिया के गोशे गोशे में चप्पे चप्पे में कत्ल वारत गिरी और ख़ून रजी आम हो जाएगी आजकल लोगों की अक्सरीत को आप देख रहे होंगे दीनी मसाइल से लाइल हैं नाशना आएँ ईमान इस्लामी अकीदे से बिल्कुल नाशना अल्लाह से गफलत की तो इंतहा हो चुकी है अगर उनको आ, किसी उनके बच्चे के ताल्लुक से ज़िक्र छेड़ दीजिए तारीफ करते हुए ज़मीन और आसमान के खुलाबे मिला देंगे और उसी शख्स के सामने अल्लाह जलाल का जिक्र कीजिए उनसे कहिए कि जलाल के बारे में एक पाँच मिनट बोलिए, तो वो बेहिस्स हरकत खड़ा हो जाएगा या खामोश हो जाएगा जैसे वो अल्लाह आलमीन के बारे में कुछ जानता ही नहीं साइंस साइंसी की तरक्की के दौर में दीन के मुतालिक कोई दिलचस्पी नहीं रह गई ख़ुद हमारा मुशाहदा है कि एक शोहर पंद्रह पंद्रह बीस बीस मरतबा अपनी बीवी को तलाक दे लेता है और सलाह सलाह भी कर लेता है और बिरादरी के लोग उसे मजबूर भी करते हैं इस पर जहालत की वजह से बहनों बेटियों के मुक़दस रिश्तों को अपनी नफसानी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया जा रहा है और लोग खूस सऊदी अरब में मौसम हज के मौके पर हम इसका सालों से मुशाह कर रहे हैं जोहला व वाम खुद ही मुफ्तिया ने नेज़ाम का किरदार अदा करते हैं और लोगों को फतवे देते रहते हैं कि हमने गुजत साल ऐसे ही हज किया तो चलो तुम भी ऐसे ही कर लो तो मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लाम ने हमें इल को हासिल करने की बड़ी तरगीब दी है और ख़ुद अल्लाह ताला ने, अल्ला रुब रुब ने अपने प्यारे रसूल को इल्म हासिल करने का हुक्म देते हुए फ़रमाया कुरबनी अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि आप अपने रब से दुआ कीजिए और कहिए कि रब रजूल जलाल तो मेरे इल्म में तरक्ता फ़रमा खुद प्यारे नबी सल्ला वसम ज़िंदगी भर सीखते भी रहे लोगों को सिखाते भी रहे आपने जहालत की मजम्मत की है हर मौके पर आखिरी ज़माने में इस्लाम ऐसे मिट जाएगा जैसे कपड़े के नक्शो नगार मिट जाते हैं के कोई जानेगा नहीं कि नमाज रोज़ा इबादत और सदक़ा क्या चीज़ होती है नबी अक्रम हजरत बिन बिनियमान की रिवायत है जो सुने नबिन माजा में फोर जीरो फ़ोर नाइन चार हज़ार उनतालीस या उनपचास पे नंबर पर पे है يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا نسك ولا صدقه فأعرض عنه حذيفه ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفه ثم اقبل عليه في الثالثه وقال يا صلاه تنجيه من النار ثلاثا اخرجه ابن ماجه باب ذهاب القران والعلم قصه مختصريه يا ساتيو हजरत हजीफ़ा प्यार नबी वसम से बयान करते हैं आखिरी दौर में कयामत के करीब इस्लाम इस तरह मिट जाएगा जैसे कपड़े के नक्शो नगार जब वो बोसीदा हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं तो मिट जाते हैं हती के लोगों को ये भी मालूम नहीं रहेगा कि रोज़ा क्या होते हैं रोज़े क्या होते हैं नमाज या कुरबानी या सदका क्या होता है अल्लाह की किताब को एक ही रात में उठा लिया जाएगा ज़मीन में उसकी एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी लोगों में से कुछ बूढ़े मर्द औरतें और रह जाएंगे जो कहेंगे हमने अपने बुजुर्गों को ला इला इला कहते देखा और सुना है हम भी कहते हैं तो हज़रत के एक शागिरद हज़रत सिला बिन फ़र ने कहा उस वक्त उन्हें ला इला का क्या फ़ायदा होगा जब उन्हें नमाज़ भी मालूम नहीं रोज़े भी मालूम नहीं क़ुरबानी सदक़े का भी इल्म नहीं है तो हजरत हदेफ़ा तीन मरतबा उनका ये सवाल वो दोहराते रहे और हर वक्त रुगरदानी करते रहे आखिर में कहा सिला उस दौर में यही उन्हें जहन्नम से बचा लेगा तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला इल्म को लोगों से छीनेगा नहीं बल्कि आलिम फौत हो जाएंगे इल्म भी ख़त्म हो जाएगा और उस जहालत के नतीजे में ये हा, सूरत हाल पेश आएगी जब लोग इस्लाम पर अमल करना कुरान पढ़ना छोड़ देंगे तब उन्हें कुरान के अल्फाज से भी महरूम कर दिया जाएगा इससे एक और बात मालूम ये हुई कि फ़ितनों के अयाम में थोड़ा भी अमल नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा क्योंकि उस दौर में थोड़े इस्लाम पर अमल करना भी मुश्किल हो जाएगा आपने क्या देखा नहीं कि रूस में कम्युनिस्टों के दौर में हुकूमत में दौरे हुकूमत में मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने के लिए मनज़म कोशिशें की गई थी इसके नतीजे में रूस और दूसरे कम्युनिस्ट मुल्कों के मुसलमान से इस तरह महरूम हो गए कि उन्हें सिर्फ इस्लाम का नाम याद रह गया सत्तर साल तक हज की नहमत से महरूम हो गए अरकान इस्लाम पर अमल करना उनके लिए दुशवार हो गया था आजकल यही कुछ चीन के कुछ इलाक़ों में बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा हाल मुसलमानों का है अजीज साथियों दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों आज आप आलम इस्लाम पर गौर करके देख लें तो जहालत आम हो चुकी है लोग कंप्यूटर के दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं मोबाइल का इस्तेमाल कैसे है? उम्दा से उम्दा किया जा सकता है गाड़ी कौन सी सबसे अच्छी है ये सारी मालूम लेकिन क़ुरान हदीस का बहुत कम लोगों को है बल्कि नमाज में अगर ग़लती हो जाए तो कब और किस ग़लती का किस तरीक़े से तदारुक किया जा सकता है इसका इल्म बिल्कुल बहुत कम लोगों को है बरकै क़्यामत के करीब जहालत हर जगह अपने डेरे जमाएगी हर तरफ़ फैल जाएगी और डॉक्टर महमद अब्दुलरहमान अलफ़ी ने एक वाक़ बयान किया है किताब नहायतम में जो उर्दू में दारुसलाम की तरफ से छपी है जब दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी कहते हैं कि एक दिन एक भाई ने मुझसे सवाल किया और सवाल क्या था क्या नफली नमाज से पहले भी वजू करना ज़रूरी है या यह सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज के लिए वजू ज़रूरी होता है मुझे इसके सवाल पर ताजुब हुआ शेख रेफ़े कहते हैं फिर ये ताजुब अपने अरूज पर पहुंच गया जब मुझे पता चला कि मौसूफ एक यूनिवर्सिटी में तीसरे साल का तालब इम कॉलेज के तीसरे साल में पढ़ने वाले सऊदी अरब में तो इब्तई से प्राइमरी से लेकर इंटर फिर सेकेंडरी फिर कॉलेज हर मरहले में दीन का इलमें सिलेबस में मौजूद है कुरान हदीस की तालीम मौजूद है ऐसे मद माहौल में पढ़ने वाला एक तालब इल्म ये कह रहा है क्या नफली नमाज से पहले भी वजू करना ज़रूरी है या वजू सिर्फ फ़र्ज की नमाज के लिए होता है तो आप अंदाजा लगाएँ लोगों की जहालत का आलम क्या है लोगों की अक्सरियत तलाक व निकाह खरीद व फरोख्त इबादत के अकाम और मसायल से लाआल है हालांकि उन्हें इसके इस इलम की शदी ज़रूरत होती है ये सूरत हाल इस वक्त की ये क्यों पैदा हुई है वसाइलब की कसरत लोगों को माशे और इकतदी मामलों में उनकी मशगूलियात इलमी महफ़िलों के मजलिस से ग़ैर हाजिरी दीनी कुतुब के आदम मुताला की वजह से पैदा हुई दीन की किताबें पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो चुका है उल्मा की दीनी मजलिसों में हाजिरी लोग बहुत कम देने लगे हैं और सिर्फ धुआँदार तकरीर करने वालों की मजलिसों में लोग दौड़े दौड़े आते हैं बाकी जिनके पास ठोस इल्म है और वो धुआँदार तकरीर नहीं कर सकते आम आदमी की तरह लोग बोलते हैं तो कहते हैं यार वो बोर हो जाता है आदमी उसको उनकी मजलिस में तो मेरे भाइयों अल्लाह आप सबको खुश रखे आपके हसन समात का बे बेहद शुक्रिया अल्लाह आपको जजाय ख़ैर दे और आप तमाम दीनी भाई और इस्लामी माँ और बहनों को दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे दिन और ईमान पर क़ायम और दायम रखे और दीन पर इस्तकाम नसीब फरमाए हर कस्म के जाहिर और बातनी फितनों से महफूज रखे इलम के नूर से अल्लाह ताला आपको नवाजे दीन का सही फरमाए उस इलम की सही समझ अता फ़रमाए उस सही समझ के मुताबिक अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए वल् नबीन महमद व जजाकम्ल् ख़ैर वालकम वल्ला वर्का